Hello everyone, I am an English trainer. So welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about very different topic for you guys. So guys, आजकल last 3 or 4 days back मैं आपको proper video नहीं बना पा रहा था, थोड़ा health issues था. So let's start the class. So guys, मैंने यहाँ पे जो topic को नाम दिया है mix up या mix ways in spoken English means daily routine, yesterday and tomorrow. ये तीनों रूटीन पे हम आज डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, पास और फ्यूचर पे. गेटिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन प्रेजेंट, पास एंड फ्यूचर. लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो गाइस, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक का रूल लिखा है, सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे रूल और उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पे आई. तो यहाँ पे जो आई का मतलब है गाइस, यहाँ पे मैं या मैंने. उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट को शो करेगी. देन सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म है ये पास इंडेफिनिट को शो करेगी. और जो विल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये फ्यूचर को शो करेगी. उसके बाद डायरेक्ट मैंने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद गाइस मैंने यहाँ पे लिखा देन. देन का मतलब तब या फिर. आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद. गेटिंग एंड देन और तब, या आफ्टर, बिफोर और वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म आती है. यू नो, ये सारे जो है आपके कनेक्टर्स हैं, यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे सेंटेंस को. सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचानता है, ती है, ते है, या ता हूं या ती हूं. तो यहाँ पे आई के साथ अगर गर्ल है या बॉय है तो ता हूं बॉय के लिए और ती हूं गर्ल के लिए. मीन्स प्रेजेंट के हैबिट को शो कि क्या करता हूं मैं, डेली करता क्या हूं सुबह से शाम तक के लिए. सुबह से शाम तक मैं करता क्या हूं, उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया कि डेली रूटीन का यूज करेंगे कि मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, डेली क्या करता हूँ, ऑलवेज क्या करता हूँ, व्हाटएवर आई डू डेली एवरीडे, दैट इज कॉल्ड डेली रूटीन. गेटिंग. उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है पास इंडेफिनिट. और पास इंडेफिनिट का जो मतलब है यहाँ पे पहचान है आई ई ए का साउंड आता है कि मैं 6 बजे उठा, उसके बाद मैंने ये क्या और डिनर करने के बाद सो गया. और ये पुरानी ओल्ड पहचान है ताता ती 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 थे या. गेटिंग. और ये पास के हैबिट को शो करता है कि मैंने कल क्या किया, यस्टरडे को मैंने क्या किया, कि मैं सुबह 6 बजे उठा, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया और डिनर करने के बाद सो गया. डिड. नाउ फ्यूचर में यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा गाइस, यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे इसकी पहचान है गा गी गी. जिन भी हिंदी वाक्यों में गा गी गी का साउंड आता है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अगर लड़की है तो मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा और डिनर करने के बाद सो जाऊंगा. एक ही रूल में मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ. देन मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है व्हाटएवर आई विल डू इन फ्यूचर. मैंने बताया यहाँ पे कि जो कुछ भी मैं फ्यूचर में करूंगा, व्हाटएवर आई विल डू इन फ्यूचर. गेटिंग. उसके लिए हम टुमारो रूटीन, पहले बताया मैंने डेली रूटीन, यस्टरडे रूटीन और टुमारो रूटीन. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हैं और जो ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सो लेट्स सी, अगर हम इसे डेली रूटीन में यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम फॉर्म आएंगी. गेटअप का मतलब होता है उठना, गेट फ्रेश का फ्रेश होना, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, टेक बाथ, प्रे टू गॉड, कुक ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, गेट रेडी, गो टू कॉलेज या गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल जॉब एंड विश टू सर्व सीनियर्स फ्रेंड्स, अटेंड क्लास या वर्क इन ऑफिस, कम बैक, हैव लंच, टेक रेस्ट, हैव इवनिंग टी, हैव यू नो लीव ऑफिस या वॉच टीवी, देन गेटिंग, देन स्टडी फॉर 2 hours, देन कुक डिनर, देन हैव डिनर, देन यूज फोन, देन गो टू बैड. दिस इज ऑल अबाउट डेली रूटीन. अगर इसी को आप बताना चाहते हैं पास में तो यहाँ पे गेट अप की जगह गॉट अप हो जाएगा. सो गाइस, मैंने यहाँ पे रूल में लिखा आई, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये काम किया, क्या मैं आका साउंड है, मैं ये काम करूंगा. तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठा था, मैं आका साउंड और मैं उठूंगा गा का साउंड. तो यहाँ पे देखो आपने वर्ब ऐसे ही चेंज करनी है. अगर आप डेली रूटीन बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस्टरडे रूटीन बोल रहे हैं तो सेकंड फॉर्म, और टुमारो रूटीन विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और यहाँ पे आपने वर्ब वैसे ही चेंज करनी है जैसे मैंने रूल में लिखी. यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे गाइस, अगर आप डेली रूटीन बोलना तो सेम वर्ब आएगी, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है. अगर इसे आप यस्टरडे एक्टिविटी से बोलते हैं तो गेट अप का गॉट अप हो जाएगा,
गेट फ्रेश का गॉट फ्रेश हो जाएगा, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, कम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, केम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, टेक बाथ, टुक बाथ, प्रे टू गॉड एंड प्रेड टू गॉड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेड टू गॉड, देन कुक ब्रेकफास्ट, कुक्ड ब्रेकफास्ट पास हो जाएगा, हैव ब्रेकफास्ट, हैड ब्रेकफास्ट, गेट रेडी, गॉट रेडी, देन एंड गो टू कॉलेज या गो टू ऑफिस की जगह क्या, वेंट टू कॉलेज, वेंट टू ऑफिस, विश टू सर या विश्ड टू सर, गेटिंग फ्रेंड्स, अटेंड क्लास, अटेंडेड क्लास, कम बैक, केम बैक, हैव लंच, हैड लंच, टेक रेस्ट की जगह टुक रेस्ट हो जाएगा, हैव इवनिंग टी, हैड, हैड इवनिंग टी, लीव ऑफिस, लेफ्ट ऑफिस, वॉच टीवी, वॉच टीवी, स्टडी फॉर टू आवर्स, देन आई स्टडी फॉर टू, स्टडीड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, देन कुक डिनर की जगह कुक्ड हो जाएगा, देन हैव डिनर, हैड डिनर, एंड देन यूज फोन, यूज फोन, एंड देन गो टू बेड की जगह वेंट टू बेड, यही हमारा फ्यूचर में टुमारो रूटीन हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आई के साथ विल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल, सेम यही वर्ब आ जाएंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे आई के बाद विल ऐड करना, कि आई विल गेट अप एट 6 o'clock, देन आई गेट फ्रेश, अब देखिए फॉर्मेट देखिए, आई, आई के बाद विल आ गया, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल गेट अप एट 6 o'clock, देन क्या होगा, तब, फिर ये सर्किल ऐसे घूमती जाएगी, देन I will get fresh, then I will go for morning walk, then I will come back from there, then I will take bath, then I will pray to God, then I will have breakfast या cook breakfast, जो भी काम आप करोगे सुबह से शाम तक, ये words मैंने यहाँ पे लिखे हैं guys, और आपने यहाँ पे then लगाओगे, then, तो ये रटी हुई चीज क्रैमिंग हो जाएगी, कहीं पे आप after that उसके बाद, या and then और तब, या after getting fresh, after before और while के बाद ing form लगाने, you know, after getting fresh, after getting fresh, then I go for morning walk. After getting fresh, then I wait for morning walk. After getting fresh, then I'll go for morning walk. आप ऐसा यूज कर सकते हैं और वर्ब्स मैंने आपके सामने दिए हैं, ये वेज है, ये मिक्सअप है कि कैसे ही एक ही रूल में आप तीनों एक्टिविटीज बता सकते हैं, डेली रूटीन, यस्टरडे और टुमारो. सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड, बहुत ही सुपर वीडियो बनी है आप लोगों के लिए. सो गाइज, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसी के बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी. वेल गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू एवरीबॉडी, थैंक यू.